अगर तिल उसको यहां दिख जाए पर्वत में, ठीक है, तो ये शुभ होता है, ठीक है। अगर तिल यहां पर दिख जाए फर्स्ट पर्व, तो कुछ हानि होने का अर्थ होता है, मान सम्मान में हानि होने का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति इनके किसी मतलब रिवेंज की वजह से हो या किसी भी वजह से हो इनका नाम खराब करने आता है, वो भी कुछ समय के लिए। अगर तिल हल्का है तो कुछ समय के लिए, ज्यादा डीप है और बहुत पुराना है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ना धक्के खाकर काम सीखना पड़ता है, ठीक है, धक्के खाकर काम सीखना पड़ता है, इजीली सीख नहीं पाता। सेकंड वाले में यहां पर अगर तिल आ जाता है किसी के हाथ में, अगर देखोगे इस जगह पे आने पे ना, ऐसे लोग ना थोड़ा खान पान खाने पीने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा लोभी बन जाते हैं, इनको लीवर का इशू आता है, लोभी प्रकृति के बन जाते हैं, इस वजह से इनका नाम खराब होता है अगर इस वाले जगह पे आता है। और अगर थोड़ा सा ऊपर इस वाले पर्व पे आएगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षा बहुत होगी, बहुत मतलब संभाल नहीं सकेंगे, जब से बात करेंगे ना वो कहेगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तोप मार दूंगा, लेकिन एक्शन में जीरो, ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फिगर है, तर्जनी के तृतीय पर्व पे दो रेखा हो तो जातक परोपकारी और सम्माननीय होता है, यदि इन रेखाओं को कोई अन्य रेखा काट रही हो तो जातक पर परोपकार के कार्य करेगा तो परोपकार के कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। सिर्फ बाधा ही नहीं, मैं बताता हूँ क्या होता है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ अक्सर होता है ना, जैसे यहाँ पर ये रेखा बनी, एक दो रेखा, अरे यार ये भी इस तरह बनी है और इसको कोई कोई रेखा इस तरह से काट रही है, ऐसे काट दे, ठीक है। तो ऐसे लोग परोपकार जिसका करते हैं वही इनको गालियां देते हैं, ये बेचारे जिनको भी परोपकार करते हैं वही इनको गालियां देते हैं। सर अगर गुरु पर्व पे त्रिशूल बने तो उसका क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा, त्रिशूल बने तो ऐसे लोग भक्त और वैरागी, वैराग्य टाइप के होते हैं, भक्ति किस्म के रहते हैं और परोपकार में बहुत ज्यादा वो रहते हैं। आप देखना आपको सोशल वर्क करने में बहुत मजा आता है, आपका है क्या, जी जिनका सर भी मेरा है? है, इसलिए पूछा था, मेरा है मेरा है हाँ, सर। सोशल वर्क करने में बहुत आनंद आता है, तृप्ति मिलती है, ऐसा लग रहा है कि आत्मा को सुकून मिला। हाँ सही है सर। अच्छा।